चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गडकरी भी शामिल। योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक। बंगाल के पहले दौर के लिए 40 स्टार प्रचारक रवि किशन और मनोज तिवारी को मिली जगह। बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी, सभी बड़े नेता पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा बंगाल में जीत सुनिश्चित है। पीएम ने कहा सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कोरोना टीकाकरण कैंप लगवाएं। देहरादून में चल रही बीजेपी विधायक दल की बैठक, रमेश पोखरियाल निशंक सीएम बनने की दौड़ में आगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह से मुलाकात। आज तक से बोले रावत, मुझे भरोसा अगला सीएम मुझसे बेहतर काम करेगा। इसको भी नेता चुना जाएगा, वो आगे सरकार चलाएगा। लगभग एक वर्ष का कार्यकाल उनको मिलेगा काम करने का। सीएम की रेस में धन सिंह रावत का नाम भी शामिल, बोले जो पार्टी का आदेश होगा मानूंगा। हमारा नेता बंधु विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद विधिवत हमारे नेता का चुनाव किया जाएगा और जो भी हमारा नेता बनेगा सारे पार्टी के लोग हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। बंगाल में सियासी संग्राम के सबसे बड़े मुकाबले की शुरुआत, आज नामांकन भरेंगी ममता बनर्जी। पूजा पाठ के दिन की शुरुआत, नामांकन से पहले ममता बनर्जी करेंगी शिव की आराधना। पैदल यात्रा के बाद नामांकन स्थल पर जाएंगी, हल्दिया में नामांकन पत्र करेंगी दाखिल। ममता ने नंदीग्राम के आंदोलन की दिलाई याद, कहा मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ लेकिन मैं बीच रास्ते में बैठी रही। ममता का वादा, नंदीग्राम में बनेगी यूनिवर्सिटी, चुनाव घोषणा पत्र में होगा ऐलान। एक दिन पहले नंदीग्राम पहुंच गई थी ममता, कहा मैं हिंदू लड़की हूं, मन से किया चंडी पाठ, कई मंदिरों में किया दर्शन। नंदीग्राम में चाय की दुकान पर पहुंची ममता, खुद चाय बनाकर सबको पिलाई। नंदीग्राम में ममता के घर के करीब शुभेंदु के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा नंदीग्राम को चाहिए अपना बेटा। ममता के चंडी पाठ और पूजा पर बीजेपी के गिरिराज सिंह का तंज, बताया चुनावी हिंदू। आज दीदी चंडी पाठ कर रही है, वाहरे मोदी दीदी चुनाव जो न कराए आपको। 12 मार्च को नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, ममता को टक्कर देने के लिए नंदीग्राम से भरेंगे पर्चा। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए बीजेपी ने की बड़ी तैयारी, नामांकन के वक्त मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे उनके साथ। 12 मार्च से मिथुन चक्रवर्ती बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में शुरू करेंगे बीजेपी का चुनाव प्रचार, बीजेपी में बनी रणनीति। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, दोनों की तरफ से चार चार कार्यकर्ता घायल। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, नामांकन से लौटते वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया था हमला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।